वेलकम फ्रेंड्स, इस डेमो सेशन में हम बात करेंगे डोंट जस्ट ब्रॉडकास्ट बट ट्रिगर स्मार्ट लीड फॉलोअप, यानी आप अपने प्रोडक्ट्स, जेंडर, लोकलिटी और बाकी फील्ड वैल्यू के हिसाब से आप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लगा सकते हो ताकि यूजर को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले। नाउ लेट्स से इफ यू आर इन ट्रैवल बिजनेस और इंक्वायरी अगर गोवा में इंटरेस्टेड है तो गोवा से रिलेटेड ईमेल और एसएमएस सेंड करो, और अगर मनाली में इंटरेस्टेड है तो मनाली से रिलेटेड आप उन्हें कम्युनिकेशन सेंड कर सकते हो। नाउ लेट्स से एक हमारे कस्टमर है हिंदुस्तान घूमो.com और वो शिमला, मनाली और बाकी टूर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। सो इसी एग्जांपल के ऊपर हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, राइट? सो लॉग इन टू योर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, देन गो टू फॉर्म्स, और यहां पर मैंने एक टूर पैकेज का एक फॉर्म ऑलरेडी बना के रखा है। सिंपल फॉर्म है, फील्ड में फर्स्ट नेम, ईमेल, 10 डिजिट मोबाइल, टैग्स, एसएमएस, ये सब डिफाइन कर दिया, और यहां पर मैंने फील्ड दे दिया लुकिंग फॉर, यानी वो लोग किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। तो जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा तो यहां पर उनको प्रॉपर्टी में ऑप्शन आएंगे, वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन शिमला, मनाली, गोवा, महाबलेश्वर, या तो फिर आप चाहो तो बाकी भी ऑप्शन दे सकते हो जैसे केरला या साउथ, या मे भी अगर आप इंटरनेशनल टूर्स प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पर थाईलैंड दे सकते हो। और यहाँ पर मैंने ट्रैवल बिजनेस का एग्जांपल लिया है। अब आपके जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी है, जैसे हमारे केस में पूछो तो हम सर्विसेज, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग, ऐसी तीन हमारी कैटेगरीज है, तो जिस चीज़ में यूजर इंटरेस्टेड है तो उसके अकॉर्डिंगली हम कम्युनिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो आप भी प्रोडक्ट के बेस पर या कोई और कैटेगरी के बेस पर ये सारी चीज़ें बना सकते हो, बट फिलहाल ये दो चीज़ें इज इनफ फॉर मी। So I'm hitting cancel and then save and close. और उसके बाद ये जो कोड है उसे मैं कॉपी कर रहा हूं और जो हमारा लैंडिंग पेज सॉफ्टवेयर है उसमें जा रहा हूं, एंड देन सिंपल HTML कोड डालना है। अगर आपकी कोई कस्टम वेबसाइट है या और कोई लैंडिंग पेज है तो सिंपल आप अपने वेब डेवलपर को ये कोड दे दीजिए और वो जहां पर पेस्ट करेगा वहां पर आपका फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहां पर फॉर्म आ चुका है और यूजर शिमला, मनाली या गोवा, महाबलेश्वर जब भी फॉर्म फिल करता है तो वो सिलेक्ट कर सकता है। ओके, अब हम लोग कैंपेन डिजाइन करते हैं। सो अगेन मार्केटिंग ऑटोमेशन में लॉगिन कीजिए एंड गो टू कैंपेन, और यहां पर हमने टूर पैकेज का एक कैंपेन बना के रखा है, उसे हम लोग एडिट करते हैं। ये एक डिफॉल्ट टेस्ट कैंपेन था, सो लॉन्च दिस। अभी जितने भी डिफॉल्ट वैल्यूज है उसे मैं डिलीट कर रहा हूं। और फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म हमने क्रिएट किया और उसमें हमने डिफाइन किया था कि यूजर जब भी ये फॉर्म फिल करता है तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने एक सेगमेंट बनाया कि टूर पैकेज इंक्वायरी सेगमेंट, राइट? सो जब भी यूजर टूर पैकेज इंक्वायरी सेगमेंट में आता है तो यहां से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि लीड गोवा की है, मनाली की है, और अकॉर्डिंगली हम उन्हें कम्युनिकेशन सेंड करेंगे। सो यहां पर देख सकते हो मैंने टूर पैकेज जो भी सेगमेंट था वो सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहां पर आप कंडीशन दे सकते हो कि अगर कॉन्टेक्ट की फील्ड वैल्यू, लेट से इंटरेस्टेड इन शिमला, ये हमारे समझने के लिए फील्ड है, और उसके बाद कौन सी फील्ड के ऊपर आप ऑटोमेशन लगाना चाहते हो, जैसे हमारे केस में हमने अब प्रोडक्ट के बेस के ऊपर लगाया। आप यूजर की जितनी भी अवेलेबल फील्ड है उसके बेसिस पर आप जो भी फील्ड डिफाइन करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे हमारे केस में पैकेज, ये हमने कस्टम फील्ड बनाई थी, इक्वल्स वॉट, तो इक्वल में हमने हमारे जो फॉर्म के अंदर फील्ड डिफाइन की थी उसे हमें सिलेक्ट करना है, जैसे गोवा मनाली, सॉरी गोवा महाबलेश्वर है या शिमला मनाली है, तो लेट्स से शिमला मनाली है, तो कॉपी एंड पेस्ट। सो कंडीशन क्या है कि क्या पैकेज की वैल्यू शिमला मनाली है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, जब भी यूजर फॉर्म फिल करेगा और यहां से अगर वो शिमला एंड मनाली सिलेक्ट करता है तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाएगी और पैकेज के अंदर स्टोर हो जाएगी। डोंट वरी, दिस इज नॉट टेक्निकल। एंड सो कंडीशन क्या है, टूर पैकेज में इंक्वायरी की, शिमला मनाली में जो इंटरेस्ट है, तो फॉर्म फिल करते समय क्या उसने शिमला मनाली सिलेक्ट किया था, अगर ये यस तो क्या और ये नो तो क्या। तो यस में हम लोग सबसे पहले उन्हें ईमेल सेंड करेंगे कि भाई आपने शिमला मनाली का जो प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी किया है, तो ईमेल पैकेजेस फॉर शिमला मनाली विथ डिजिटल ब्रोशर, ये हमारे समझने के लिए, और उन्हें कौन सा वाला जो ईमेल है वो सेंड करना है, तो वेलकम ईमेल फॉर शिमला मनाली। अब मैंने वो ईमेल ड्राफ्ट नहीं किया है बट दूसरा कोई ईमेल है वो मैं सेंड कर रहा हूं, आप चाहो तो ऐसे न्यू ईमेल भी बना सकते हो, ऐड। सो कंडीशन क्या हुई,
जब भी कोई टूर पैकेज की इंक्वायरी करता है तो वो शिमला मनाली है, तो शिमला मनाली से रिलेटेड जो वेलकम ईमेल है वो इमीडिएटली जाना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ दूसरा भी एक एक्शन होना चाहिए कि शिमला मनाली की इंक्वायरी के फॉलोअप के लिए जो हमने सीरीज बना रखी है, चाहे ईमेल हो चाहे एसएमएस हो, तो वो सीरीज के कैंपेन में भी हम इन्हें पुश करेंगे, जैसे पुश टू ईमेल एसएमएस फॉलोअप कैंपेन। और यहां से हम उस यूजर को एक और कैंपेन में डालेंगे जिस कैंपेन के अंदर हमने ईमेल और एसएमएस डिफाइन किए हुए कि भाई 10 थिंग्स यू मस्ट कंसीडर इन शिमला एंड मनाली, या 4 स्नो पॉइंट दैट यू मस्ट विजिट इन शिमला मनाली, 3 स्नो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दैट यू मस्ट डू इन मनाली। तो इस तरीके के जो भी आपने ईमेल कैंपेन पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, तो इस तरीके के कंटेंट आप सेंड कर सकते हो। और जो कंटेंट आपने इस कैंपेन में एसएमएस और ईमेल डिफाइन किए होंगे वो हो जाएगा। उसी तरीके से एक और कंडीशन रोक लेते हैं कि फील्ड वैल्यू, ये हुआ शिमला मनाली का। अब हम बात करते हैं इंटरेस्टेड इन गोवा, किस बेस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो पैकेज इक्वल्स व्हाट। तो फॉर्म बनाते समय जो भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू डाली है, ये जस्ट एक टेक्स्ट फील्ड है बट सेम होनी चाहिए ताकि सिस्टम को समझ में आए कि पैकेज की वैल्यू ये है गोवा महाबलेश्वर, तो क्या, तो अगेन यस तो क्या एंड नो तो क्या। तो नो की तो हमें जरूरत नहीं है, बट यस में अगेन गोवा से रिलेटेड पैकेज का वेलकम ईमेल, और उसके साथ साथ गोवा की भी एक अलग हम लोग कैंपेन सीरीज बना सकते हैं कि पहले दिन उन्हें ईमेल एसएमएस चला जाए कि भाई 10 वर्जिन बीचेस यू मस्ट विजिट इन गोवा, दूसरे दिन चला जाए डिड यू नो दिस बीचेस इन गोवा, उसके बाद थर्ड डे ईमेल एसएमएस चला गया कि 5 वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यू मस्ट डू इन गोवा, उसके बाद स्कूबा डाइविंग। तो गोवा से रिलेटेड जितनी भी आप फॉलोअप सीरीज लगाना चाहो वो लगा सकते हो। और उसके बाद जैसे मान लो अगर आपके 2 ही प्रोडक्ट है, राइट, तो फिर आप यहाँ पे यस नो कर सकते हो कि भाई शिमला मनाली में इंटरेस्ट है तो शिमला मनाली से, अदरवाइज मान लेते हैं कि गोवा है। अब फ्रेंड्स ये तभी करना जब आपके 2 ही हो, अगर मान लो आपके 4, 5, 6 है तो दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। तो वैसे केस में फिर यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट दिस। उसके बाद कोई और एक्शन कुछ भी लेना है तो वो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में आप डिफाइन कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट से ही जो इंक्वायरी आए उसी के ऊपर आप स्मार्ट लीड फॉलोअप ट्रिगर कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी से 1-to-1 पर्सनली मिले या आपको टेलीफोनिक इंक्वायरी आ गई, तो ऐसे केस में आपको लीड की जो डिटेल है वो हमारी ब्रीफकेस ऐप में एंटर करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम एंटर कर दिया, आपने उनका सेल नंबर एंटर कर दिया और उसके बाद उनका ईमेल आईडी, और यहां पर आपको सेलेक्ट करना होता है कि ये जो लीड है वो किस चीज से या तो फिर जो भी आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है उसमें इंटरेस्टेड है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आपको कॉल किया भाई मुझे शिमला मनाली में इंटरेस्टेड है तो आपके पैकेज सेंड करो, नो प्रॉब्लम, सिंपली उस लीड को ऐड करो तो शिमला मनाली सिलेक्ट हो गया। आप चाहो तो एसएमएस सेलेक्ट कर लीजिए तो जो भी ऑटोमेशन जाना चाहिए वो हो गया। उसके बाद व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए तो जो भी आपका डिजिटल वी कार्ड है या बिजनेस कार्ड है वो भी सेंड हो जाएगा। प्लस बेस्ड ऑन योर इनपुट कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसी से रिलेटेड जो भी आपने ईमेल कैंपेन सेंड किए, जो भी आपने एसएमएस कैंपेन सेंड किए, वो आपकी लीड को चला जाएगा। सो देखिए इससे कितना टाइम सेव होता है। अब मान लीजिए एक्चुअल में अगर आप ट्रैवल बिजनेस में हो और आप अपने ऑफिस से बाहर हो, तो ऐसे केस में अगर आपको कोई इंक्वायरी आती है और आप कहते हैं ठीक है मैं अभी ऑफिस पहुंच के आपको पैकेज सेंड करता हूँ या मैं आपको थोड़ी देर में पैकेज सेंड करता हूँ, तो क्या लगता है आपको कि बाकी कॉम्पिटिटर्स उस लीड को फॉलोअप नहीं करें, और इन अदर वर्ड्स वो लीड बाकी वेंडर्स को कांटेक्ट नहीं करिए? ऑफ कोर्स वो लोग कर रहे हैं। और जैसे हमने इंडिया मार्ट के केस में देखा था कि एक लीड 10 लोगों को शेयर होती है, राइट, तो ऐसे केस में क्विक फॉलोअप जो करता है और रेलेवेंट फॉलोअप जो करता है वही कॉम्पिटिशन में सबसे आगे रहता है। सो दिस वॉज अ क्विक वॉक थ्रू या तो फिर एक प्लेटफॉर्म डेमो है कि किस तरीके से हमारे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके आप एक कॉमन ब्रॉडकास्ट मैसेज की जगह जो भी यूजर जिस चीज में इंटरेस्टेड है उसको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सको, एक्यूरेट और रेलेवेंट, रादर एक्यूरेट से ज्यादा हम कह सकते हैं कि रेलेवेंट कंटेंट दे सको जिससे कि आप उस लीड को प्रॉपरली नर्चर कर सको। मान लो मुझे गोवा जाना है और आपने क्या किया, आपके जितने भी टूर पैकेज है, थाईलैंड जाओ, मलेशिया जाओ, सिंगापुर जाओ, केरला जाओ, सबका एक पूरा ईमेल बना के एक ब्रोशर बना के मुझे सेंड कर दिया, तो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड, राइट। सो जितनी इंफॉर्मेशन यूजर को चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन दो बट रेलेवेंट और एक्यूरेट दो जिससे कि उस लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। सो दिस वॉज अबाउट ट्रिगरिंग स्मार्ट लीड फॉलोअप। सी यू इन द अदर वीडियो।